हेलो फ्रेंड्स, टैली ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। यह वीडियो टैली में गोडाउन को कैसे मैनेज करते हैं कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने जाना था कि कैसे टैली में गोडाउन को बनाते हैं, गोडाउन में स्टॉक को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे उसका रिपोर्ट देखते हैं। पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे कि कैसे गोडाउन से स्टॉक को बाहर ले जाते हैं, कैसे उसको सेल करते हैं। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप वहां पे देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं शिव आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। यदि आप एमएस ऑफिस अकाउंटिंग में टैली डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग वेब डेवलपिंग में मास्टर और एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक रिक्वेस्ट आप लोग से मेरी यह है कि मेरी वेबसाइट www.idealtechnical.in को विजिट करें, जहां जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देखें। वहां पे सारी ट्यूटोरियल्स की लिस्ट रखी हुई है, क्रम से रखी हुई है, जहां से आप बड़े आसानी से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने टैली ओपन किया हुआ है, इसमें आइडियल टेक्निकल नाम से एक कंपनी है ही है जिसमें हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में काम किया था। अब इसमें हमें स्टॉक को बाहर लेके जाना है, तो कैसे हम करेंगे? इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स पे हम सेल पे क्लिक एफर्ट प्रेस करते हैं, सेल पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले रेफरेंस सेल हमारा वाउचर्स खुलेगा, रेफरेंस नंबर देते हैं, मान लीजिए 12120। अब हम पार्टी नेम में सपोज करिए हम कैश बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पार्टी नेम में कैश दे देंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एंटर करके आप आगे आएंगे या कंट्रोल प्लस ए कर लीजिए, तुरंत हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल का लेजर है, तो सेल का लेजर तो मैंने बनाया नहीं है, तो यहाँ से Alt प्लस C शॉर्टकट की यूज करके सेल अकाउंट आप यहाँ से लेजर बना लीजिए, सेल अकाउंट्स, और यहाँ से आप यस करके एंटर करके आप सेव कर लीजिए। अब स्पेस बार जब आएंगे तो हमारे सामने शो करेगा कि कीबोर्ड आपके कंपनी में 300 पीस है, माउस 280 और TFT हमारे पास 105 है। तो कीबोर्ड हमें 15 पीस कीबोर्ड बेचना है, तो कीबोर्ड को हमने सेलेक्ट किया। अब फिर से हम स्पेस बार दबाएंगे तो हमारे सामने शो करेगा कि आपका कीबोर्ड कहाँ कहाँ रखा हुआ है। तो आगरा रखा हुआ है 275, लखनऊ गोडाउन में रखा हुआ है 25 पीसेस। तो हम यहाँ से ये आगरा हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो भी पीस आपको बेचना है आप यहाँ से डालते हैं। उसका रेट हमने रख दिया 800, एंटर के सेव किया और कीबोर्ड हो गया। इसी तरह हम माउस ले सकते हैं, माउस हमने लिया, किस गोडाउन में हमारा माउस है, आगरा में भी है, लखनऊ में है, तो मैं लखनऊ से, और क्वांटिटी मान लीजिए हमने 30, और यहाँ से उसको क्वांटिटी हमने रेट हमने रखा है, मान लीजिए माउस का जो रेट है वो 500 पीसेस है, एंटर हमने इसको सेव कर लिया। फिर उसके बाद हम TFT पे जाते हैं, कौन सा गोडाउन है, यहाँ से गोडाउन हमारा आगरा में भी है, लखनऊ में भी है, तो कोई भी गोडाउन आप सेलेक्ट कर लें। तो मैंने आगरा को सेलेक्ट किया जिसकी क्वांटिटी है 10 पीसेस और रेट हमारा 6000 रुपये है। इस तरीके से एंटर से हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं एंटर करते हुए। अब ये हमारा इनवॉइस सेव हो गया है। अब मुझे रिपोर्ट देखनी है कि मेरा जो आगरा और लखनऊ था दो गोडाउन, उस गोडाउन से स्टॉक हमारा बाहर गया है या नहीं, या हम देख सकते हैं कि उसमें कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो स्कैप करेंगे, स्कैप करने के बाद हम डिस्प्ले पे जाएंगे, जो रिपोर्ट का यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ पे आप एंटर करेंगे सेलेक्ट करके, और उसके बाद हमारा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, वहाँ पे जाएंगे, गोडाउन के अंदर जाएंगे और आगरा, यहाँ पे आगरा देखेंगे, कंप्यूटर पार्ट्स में देखेंगे। अब कीबोर्ड पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे एंटर करेंगे तो जी हाँ, देखिए आपने खरीदा था 200 पीस जो रवि से पिछले वीडियो में, तो आप यहाँ पे देखिए सेल जो हमने किया है कैश, वो 30 पीस हमारा चला गया है, यानी आपके पास टोटल 245 पीस कीबोर्ड आगरा वाले गोडाउन में बचा हुआ है। अब हमें देखना है इसी तरह माउस को भी आप सेलेक्ट करके एंटर करते हुए जाके आप देख सकते हैं, माउस तो आगरा में था नहीं, इसलिए देखिए यहाँ पे माउस का कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो
आप यहाँ पे जा सकते हैं, लखनऊ गोडाउन में दे सकते हैं। लखनऊ गोडाउन में कीबोर्ड, हमने कीबोर्ड लखनऊ में भी नहीं था तो कीबोर्ड हमने केवल आगरा से ही बेचा था। फिर उसके बाद आप गोडाउन पे जाइए, अब लखनऊ वाला गोडाउन देखिए, कंप्यूटर पार्ट्स, यहाँ से माउस को आप देखिए। हाँ देखिए, यानी हमने लखनऊ से हमने सेल किया है 30 पीस। इस तरीके से आप गोडाउन वाइज स्टॉक कोई सारी रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें इनवर्ड का भी रिपोर्ट दे सकते हैं और आउटवर्ड का। अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि हमारा स्टॉक गोडाउन में कितना बचा है, ओवरऑल हमारे कंपनी में कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो इसको रिपोर्ट लेने के लिए हम जाते हैं स्कैप करते हुए डिस्प्ले मेनू के इन्वेंट्री बुक्स में, यहाँ पे देखते हैं स्टॉक आइटम, कीबोर्ड, और यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो टोटल आपके कंपनी में 270 पीस आपके पास है। वो चाहे जिस गोडाउन में हो, लेकिन आपके पास कीबोर्ड इतना है, जिसमें 100 पीस आपने इन्वर्ट किया था और 200 पीस आपने रवि से खरीदा था, 30 पीस आपने आउट किया, तो आपके पास बचा 270 पीस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टॉक को गोडाउन से सेल करते हैं और उसका रिपोर्ट कहाँ कहाँ जनरेट होता है, उसको कैसे देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को कैसे ट्रांसफर करते हैं, वे टैली में गोडाउन मैनेज करने की लास्ट पार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।